अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं चना पुलाव, वो भी बिल्कुल देगी स्टाइल में। चना पुलाव के लिए आपको जिन चीजों की जरूरत है वो ये हैं: 2 ग्लास चावल, 2 दरमियाने साइज के प्याज, 2 दरमियाने साइज के टमाटर, 1 बोल चनों का जिसको मैंने पहले ही उबाल लिया है, 1 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट, हरी मिर्च, लाल मिर्च हसबे जायका, नमक 1 चाय का चम्मच, जीरा 1 चाय का चम्मच। सबसे पहले हमने देचकी में प्याज डालना है और उसके अंदर कुकिंग ऑयल शामिल करके उसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्याज फ्राई हो चुका है, अब हम इसके अंदर टमाटरों को शामिल करेंगे। टमाटरों को 2 मिनट पकाने के बाद हम इसके अंदर अदरक लहसुन की पेस्ट शामिल करेंगे। अदरक लहसुन को शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे से भूनेंगे ताकि इनकी स्मेल खत्म हो जाए। अब हम इसके अंदर नमक और मिर्च शामिल करेंगे। अब हम इसके अंदर हरी मिर्चों को भी डाल देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छी सी पेस्ट तैयार हो चुकी है। अब हम इसके अंदर चनों को शामिल करेंगे। अब हम इसके अंदर पानी को शामिल करेंगे। पानी मैं इसके अंदर वही इस्तेमाल कर रही हूँ जिसमें मैंने चने बॉईल किए थे। अब 1 चम्मच जीरे का और चावल हम इसके अंदर डाल देंगे। अब हम चावलों को 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर दम पर रख देंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।